अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से आपकी स्ट्रॉन्ग साइमा भी बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्यूअर्स, रात का टाइम हो रहा है, खाने का टाइम हो रहा है, खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने में क्या बना रही हूँ? खाने में मैं बना रही हूँ आलू। और सुबह नाश्ता करने के बाद जो है ना, हमने दोपहर का खाना लेट खाया था। दोपहर के खाने में हमने मंगवाई थी बिरयानी बाहर से। दोपहर का खाना हमने बाहर से मंगवा लिया था बिरयानी, और मतलब थोड़ा सा ना स्पाइसी वगैरह खाने को दिल कर रहा था। मैंने कहा घर में नहीं बनाती हूँ, चलो आज बाहर से मंगवा लेती हूँ, क्योंकि अक्सर खाना बाहर से आ जाता है। कभी बना लेती हूँ, कभी बाहर से मंगवा लेते हैं, मतलब उसका नहीं कोई ठिकाना, जब जो दिल करे बस मंगवा लेते हैं या बाहर चले जाते हैं या कुछ। लेकिन अभी जो है ना आलू बनाने का मूड है, तो जो कुछ मेरे मूड पर डिपेंड करता है मैं वही बनाती हूँ, और मेरे हस्बैंड से भी पूछ के बनाती हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मुझे उनकी टेंशन होती है। दोनों की पसंद सेम है, दोनों गोश्त खो रहे तो दोनों गोश्त खो रहे, दोनों को कुछ अच्छा अच्छा खाने को चाहिए होता है। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद जो है ना, दो दिन पहले दाल बनाई थी और आज मैंने कहा आलू बना लूँ। दोपहर में बिरयानी बहुत खा ली, बस अपनी खाई जाती है बिरयानी, ये दोपहर वाली बिरयानी थोड़ी सी बची हुई है, मैंने कहा रात को दिल करेगा वही खा लेंगे। तो अभी जो है ना आलू बनाने लगी हूँ। आलू जो है ना मैंने छील वील के रख दी है, गैस जाने का टाइम हो जाएगा, 9 बजे हमारा गैस बंद हो जाता है। तो ये देखो, तो आलू वगैरह जो है ना मैंने छील लिए हैं, बस अब जो है ना आलूओं को काटूंगी और आज इस वाले पैन में बनाऊंगी। कोशिश करूंगी ज़्यादा इसी पैन में बनाऊं, क्योंकि इसमें खाना बहुत जल्दी बन जाता है। और ये मैंने हरी मिर्चें भी निकाल ली, बस अभी जल्दी जल्दी जो है ना खाने की तैयारी करते हैं, खाने की तैयारी करते हैं और खाना वगैरह बनाते हैं। और कल जो है ना हम लोग खाना वगैरह खा के गए थे अल्पाइन, बाहर गए थे। हमारा रोज़ाना को कहीं ना कहीं आना जाना होता रहता है, लेकिन उस वक्त ब्लॉग बनाने का दिल नहीं कर रहा होता। कभी कभी इतना रश पे हम फंस जाते हैं या कहीं जाते हैं, इतना रश होता है कि वहाँ मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। तो कल भी हम गए हुए थे बाहर, लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था, इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। अब के बाद नेक्स्ट टाइम बाहर जाएंगे तो इंशाल्लाह बाहर का ब्लॉग देंगे, क्योंकि आजकल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, डर भी लगता है कि वो मोबाइल ना छीन ले। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, बस बाहर के ब्लॉग क्यों कम आते हैं, मुझे डर इस वजह से लगता है कि कोई मोबाइल ना छीन ले, तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो केयरफुली, क्योंकि आजकल डकैतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और इसीलिए मैं ज़्यादातर घर के अंदर ही व्लॉग बनाती हूँ। बाहर के व्लॉग आप लोग देखते होंगे बहुत कम, बाहर मैं रोज़ाना जाती हूँ, कभी एक दिन छोड़ के एक दिन, लेकिन मेरा बाहर जाना लाजमी होता है, मैं कहीं ना कहीं जाती रहती हूँ। और बस यही वजह है कि बाहर की वीडियो इसलिए नहीं बनाती, क्योंकि डर बहुत ज़्यादा लगता है कि कोई मोबाइल ना छीन ले। तो आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जल्दी जल्दी आलू वगैरह कट करते हैं और उसके बाद जो है ना आप लोगों को दिखाते हैं। जो है ना मैं रख चुकी हूँ, अब जो है ना पैन के अंदर जाएगा किसान ऑयल। तो मैं किसान तेल ही यूज़ करती हूँ, मुझे किसान के अलावा कोई तेल अच्छा नहीं लगता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने ले लिया तेल, अजान हो रही है व्यूअर्स, अजान के बाद मिलते हैं। तो ये मैंने जो है ना ज़ीरा, कुटी हुई मिर्चें और हरी मिर्चें और इसके अलावा नमक, इन सारी चीज़ों का तड़का लगा दिया आलूओं में। अब ये आलू जो है ना हम अच्छे से करेंगे फ्राई, ताकि बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए, नॉर्मल क्रिस्पी हो जाए। यहाँ पे हमने आटे के पेड़े भी बना दिए हैं। अब हम आ जाते हैं टमाटर की तरफ। टमाटर वैसे नहीं डालना चाहिए था, लेकिन ये जो है ना कल मेरे हस्बैंड लेकर आए थे तोड़ के, टमाटर के पौधों से तोड़कर लेकर आए थे ये नर्सरी से। तो मैंने कहा क्यों ना आज कच्चे टमाटर डाले जाएं, ताकि थोड़े से खट्टे हो जाएं, क्योंकि जब हम इस तरह वाले आलू बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा टेस्ट खट्टा आना ज़रूरी है। तो मैं आलू वो टमाटरों को चकोर करके डालूँगी, चेक करके डालूँगी। तो ये पकने देते हैं और दूसरी तरफ आते हैं टमाटरों को कट करते हैं। तो मैं ये टमाटर कट करके डाल चुकी हूँ, ये देखें बिल्कुल ग्रीन ग्रीन। तो व्यूअर्स अभी जो है ना सालन हमारा बनके हो गया रेडी। अभी जो है ना बस अभी रोटियों की बारी है। रोटी जो है ना, को ज़्यादा रोटी बनाने का शौक है, मेरा पूरा पेड़ा ख़राब कर दिया, तवा भी गर्म नहीं हुआ अभी सही से।
तो अब जल्दी जल्दी रोटी बनाते हैं, उसके बाद जो है ना सालन दिखाती हूँ। तो स्पेशल आलू ये देखें, स्पेशल आलू, टेस्टी वाले आलू, जिसको कभी सब्जी नहीं भी खानी होती है ना वो भी ये आलू खा के ना उंगलियाँ चाट चाट के खा जाएगा अपनी। बस अभी तवा जो है ना तेज़ गर्म करेंगे, उसके बाद रोटियाँ बनाना स्टार्ट। तो हमारी जो है ना रोटियाँ भी फाइनली बन गई हैं और सालन भी हमारा रेडी हो गया है। वैसे भी खाना अभी नहीं खाना, खाना खाने में अभी बहुत टाइम है, क्योंकि हमने दोपहर का खाना भी बहुत लेट खाया था, तो जिसकी वजह से अभी हमें भूख बिल्कुल भी नहीं लगी। तो हम जो है ना एक काम करते हैं, किचन को बस समेट लेते हैं। और ये मैंने छोले भिगोए हैं, तो मैंने छोले भिगोए हैं, देखते हैं कल इसको बॉईल करूँगी कि इसकी चाट बनाती हूँ या इसका सालन बनाती हूँ। मुर्ग छोले बनाऊँगी या तो अंडा छोले बनाऊँगी या तो चाट बना लूँगी का, मतलब रमज़ानों में रमज़ानों के बाद अभी तक मैंने चाट बनाई नहीं है। तो आजकल कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी और खट्टी चीज़ें खाने का मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है, तो मैं इंशाल्लाह देखती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। ये दोपहर वाली वही बिरयानी है, इसको मैंने रख दी साइड पे, खानी होगी तो खा लूँगी। और यह है मेरे सालन का फाइनल लुक, ये है मेरे आलू की कतलियों का फाइनल लुक। इसको आलू की पता नहीं क्या कहते हैं, आलू की भुजिया, भुजिया तो ऐसी नहीं होती। तो बस ये हमारी जो है ना चीज़ हो गई है रेडी। तो बस अभी जो है ना मैं क्या करूँ, इनके काम के कपड़े धोते ही इनको रख दूँ, बाकी लाइट नहीं है। शद की विवर्स देखे कौन आया है, आए कौन आया है आज, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, आज मुझे इस पे बहुत प्यार आ रहा है आज मुझे इस पे बहुत प्यार आ रहा है। देखिए जरा टोपी पा के आया है, ऐ हाय, पा करो, अम्मी का है, मुंह से हाथ निकालो, बुरी बात होती है। अम्मी का है, पापा का है, भैया का है, हाथ नहीं डाल साले। अम्मी का है बोलो बार, पॉलर गई है अम्मी, पॉलर है तो उसकी अम्मी पॉलर गई है, इसको उसके भाई संभालते हैं, है ना। पीछे आ जाता, गंदा मुंह हो रहा है, नहीं दे रही अप्पा, गंदा मुंह हो रहा, अप्पा नहीं दूंगी। ओए गिर जाएगा, टाटा करो, टाटा। तो फिर बस नेक्स्ट डे है, तो अभी हम जा रहे हैं भाड़े में दूध लेने, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करें। वीडियो बना रही कंगर ही आ जाए।